हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज 26th of October और आज है शुभ विजया विजया दशहरा। सो शुभ विजया सबाई के एंड हैप्पी दशहरा सबको। आज का प्लान तो पता नहीं, लेकिन आज मैं सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ गई गाइस। 6:36 बज रहे अभी, लेकिन मैं शायद 5:55 करीबन उठ गई। बहुत जल्दी उठ गई, इतना जल्दी उठना मेरी बस की बात तो है ही नहीं, लेकिन आज नींद टूट गया तो उठ गई। कल रात को व्लॉग अपलोड किया, मतलब लेट हो गया था ना एडिट करते करते। उसके बाद घूम फिर के आए हम लोग, और मैं मम्मी के साथ पानी लेके आई अभी, एंड अभी मम्मी भी आई है, तो मैं मम्मी के पहले पहले आ गई। पूरा दिन का खास प्लान तो नहीं पता, लेकिन आपको थोड़ा टूर पे लिया जाए, ठीक है? चलो चलो, ये देखो चिन्नू मुन्नू के भाई बहन, सॉरी दोस्त, चिन्नू और मुन्नू। कल मैं चिन्नू मुन्नू से मिले थे ना आप लोग। ओके, लुक एट दिस व्यू। ये व्यू देखने के लिए मरते हैं लोग यार। दिस व्यू इज ऑसम गाइस। मुझे आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाऊंगी, लेकिन दिखाना हुआ नहीं, क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू गो दैट साइड। मैं गई थी तो व्लॉगिंग करने नहीं गई थी, लेकिन मुझे ये चीज़ दिखानी है आपको। जैसे कि आपको दिख रहा है ना कि मैं, ये हाईवे है राइट, और ये हाईवे में ऐसे 4 लेन हाईवे है ये, ठीक है? ये सर्विस रोड वगैरह, और ये दो मिडिल आने जाने का, और उस तरफ एक मतलब उस साइड में रास्ता है। ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये इनिशिएटिव मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक सोचो, यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, तो लेके चलती हूँ आपको वहाँ पे। इस इनिशिएटिव के बारे में बताती हूँ थोड़ा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हाईवे के बीच में इस तरह से प्लांट लगाया गया। ये सारे प्लांट्स तो मतलब ऐसे ही है, जंगल है, मतलब ऐसे उग गए। लेकिन द थिंग इज़ दैट वहाँ पे जो सारे प्लांट्स हैं ना, वो सारे प्लांट्स जो है, किसने लगाया, किसके तरफ से था, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, क्या था, मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। ये मैं जानकारी लेके फिर आपको दिखाऊंगी। ये दिखाने का मतलब आज कोई प्लान नहीं था गाइस, लेकिन सुबह सुबह उठ गई, निकल गई मतलब वॉक करने, तो सोचा क्यों ना दिखाई दूँ। और ये चीज़ मुझे भी, मैंने अभी तक देखा नहीं है प्रॉपरली, मैंने सिर्फ दूर से ही देखा है। सो यहाँ पे देखो गाइस, प्लांट्स लगाए गए इस तरह, देखो छोटे छोटे, और इतने सारे हैं, देखा आप लोगों ने, इतने सारे हैं, मतलब बोथ साइड ऑफ द रोड, लाइक दिस साइड, मतलब दोनों साइड में लगाया गया है। ये और एक है, तो इसमें भी झांक लेते हैं। ये देखो प्लांट्स दिख रहे हैं, तो इस तरह इनका मेंटेनेंस हो रहा है, मतलब इतने इतने अच्छे से इसको पूरा कवर करके रखा है, ताकि इसको कोई डैमेज ना कर पाए। और इतने, और ये पूरा यहाँ पे नहीं गाइस, पूरा पूरा जितना हाईवे जितना दूर तक जाता है वो सारे हैं। आप लोग, मैं वो विलेज में गई थी उस दिन, मैं तब भी मैंने दिखाया था रास्ते में, शायद आपको दिखा था वो सारे चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये इनिशिएटिव कि ग्रीनरी ग्रीनरी होगा ना पूरा। क्योंकि जब ये रास्ता बना रहे थे ना गाइज, तब क्या हुआ था कि सब काट दिया गया था। ये जो आप व्यू देख रहे हो ना, ये IOCL का मेन डोर है, मेन गेट है इसको, इसलिए इस जगह का नाम मेन गेट है गाइस, इस जगह का नाम मेन गेट है। और लेट्स गो टू दैट सर्विस रोड। व्हाई एम आई, रुको रुको, मैं लेके चलती हूँ आपको, फिर बातें करती हूँ। सर्विस रोड का इस साइड, जिससे IOCL का ये मतलब पानी वगैरह निकलता है, तो गाइस इस पार्ट के पानी में कभी एक्सपेक्ट मत करना कि ये पानी प्योर है या फिर कुछ, क्योंकि इस पानी में पेट्रोल का स्मेल आता है, क्योंकि पेट्रोल रिफाइनरी है ना गाइस। तो यू कैन होपफुली अंडरस्टैंड कि क्या होता होगा इस पानी में। तो ये पानी का ये पार्ट में दिखा देती हूँ, ये एक नदी नल जैसा, मतलब नदी जैसा कुछ है, एक नदी था जो कनेक्ट होता है उस साइड जाके, मतलब उस साइड जाके कनेक्ट होता है। लेकिन ये जो नदी है, मतलब ये जो पानी जो बहता है, ये पूरा पूरी क्या मतलब पेट्रोल जो भी है रिफाइन किया हुआ सब कुछ से आके निकल के इधर से बह जाता है। तो डोंट यू एक्सपेक्ट कि ये सब प्योर है, पेट्रोल का स्मेल आता है और यू नो हमें यहाँ रहना पड़ता है।
सो गाइज ये है वो पार्ट, ये पार्किंग का एरिया है, साइकिल पार्क या बाइक पार्क किया जाता है। और इस तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ग्रीनरी है। तो इस साइड जो था ना बहुत सारे पेड़ थे यार गाइज, बहुत सारे पेड़ थे। मतलब हम लोग सुबह को उठ के आते थे सुबह सुबह, और यहाँ पे ना येलो येलो कलर का जो एक फ्लावर होता है, इतने सारे प्लांट्स हुआ करते थे। उस साइड हम लोग जाते थे वो वाले रोड पे, और वहाँ पे इतने सारे फ्लावर का प्लांट था। कुछ और भी था जिसकी वजह से मम्मी और एक आंटी थी, आई रिमेम्बर कि हम लोग जाते थे वहाँ पे वॉक करने। और आपको यहाँ पे फ्लावर दिख रहे हैं, यहाँ पे कितने सारे रोज़ प्लांट्स हैं ना गाइस, इतना सुंदर लगता है देखने में। दिख भी रहा है कि नहीं कैमरे में, आई ट्राई टू शो, इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये जो पार्ट है ना पिंक पिंक थोड़ा तो दिख रहा है, हाँ ये वाला जो पार्ट है ना पूरे रोज़ प्लांट से पूरा, मतलब ऐसे कह सकते हो आपकी रोज़ प्लांट से भरा हुआ है, ठीक है। और इतना ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये सारे प्लांट्स जब काट दिए गए थे ना, जब इस हाईवे को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, तो बहुत बुरा लग रहा था हम लोग का। मेरे बहन का एक वीडियो है, मतलब वो अन्नप्रशन कहते हैं ना, तो अन्नप्रशन की वीडियो में आई थिंक 2004 या हाँ 4 का ही शायद बात होगा। तो उस 2004 में ये सारे इतने ग्रीन थे, और तब से लेके ना आज तक कुछ ग्रीन नहीं हुआ यार, ग्रीन 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 नहीं हुआ। तो मैं जल्दी जल्दी जाके वो पार्ट भी आपको दिखाती हूँ, प्रोबेबली आई कैन शो यू विद इन 30 seconds। तो क्या है ना कि वो सारे ग्रीनरी नहीं थे ना, इतना बुरा लगता था। और अब जब ये सारे देखती हूँ ना मैं, ये ग्रीन कलर ग्रीन ग्रीन प्लांट किए हुए, एंड यू नो आई एम अ नेचर लवर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक कैमरे में कैप्चर करना पॉसिबल ही नहीं है। देखो यहाँ पे वो पार्ट, पता है जस्ट आप लोग सोचो कि ये वाला पार्ट है ना, ऐसे ही जो ग्रीन कलर का जा रहा है ना, ये पूरा ऐसे स्लाइड होके जा रहा है। मतलब जितना दूर तक हाईवे जा रहा है उतना दूर तक इसको प्लांट किया गया है, एंड इट इज़ अमेजिंग। इससे बड़ी खुशी की बात शायद मेरे लिए तो क्या है, क्या ही होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे ग्रीन देख के। तो गाइज ये IOCL का पार्ट है गाइज, इसमें मतलब जीता मुझे ये IOCL का पार्ट है, हाँ। तो इतना ही ये जान लो आप लोग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। टाउनशिप के अंदर तो मैं गई थी, मैंने शूट भी किया था, तो लेकिन गाइज मैं वो वीडियो डाल नहीं पाई, वो एडिट करने में थोड़ा टाइम लग गया, फिर दुर्गा पूजा आ गया, फिर मैं दुर्गा पूजा के वीडियोस डालने लगी। लेकिन प्रोबेबली मैं वो सारी वीडियोस भी डालूंगी। ये पार्ट कितना सुंदर है ना गाइज, देखो मतलब वहाँ पे एक पेड़ है, फिर इतना से रास्ता, मतलब इट लुक्स लाइक क्या बोलूँ, मतलब इतना ज़्यादा रोमांटिक भी नहीं, मतलब पीसफुल, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मतलब एक्सप्लेन करना ही मतलब शब्द नहीं मेरे पास, और मैं नेचर दिव्य से देखती हूँ तो मेरे पास वैसे भी शब्द नहीं होता। ये पार्ट भी देखो गाइज, छोटे छोटे प्लांट्स है उसमें, वाइट वाइट फ्लावर्स, ओह माय गॉड लुक सो 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 नाइस, सो नाइस। मतलब आई एम गेटिंग मैड, मैं यहाँ पे रोज़ थोड़ी ना आती हूँ, इसीलिए मुझे पता ही नहीं होता है, घर से निकलने से ही पता चलेगा ना। ये देखो ये सारे रोज़ प्लांट्स जो यहाँ पे भी प्लांट किया हुआ है, समझ में आ गया ना गाइस। और ये व्यू भी देखो यार क्या मस्त है, ऑसम सीरियसली। चलो अभी इस जगह से चलती हूँ, क्योंकि आज दशहरा है, तो दशहरा का भी तो कुछ कुछ करना पड़ेगा। अब जाके पता नहीं क्या करूँगी, अभी बज रहे सुबह के 6:50, एंड सुबह सुबह इतने बातें कर लूँगी तो पूरा दिन क्या वीडियो शूट करूँगी, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि दशहरा का भी तो यू नो आपको, मैं उस दिन के वीडियो में आपको ये बताना भूल गई कि दशहरा में सिंदूर खेला होता है, वो सिंदूर के साथ खेला जाता है ना, बंगालीज इन द दुर्गा पूजा दे प्ले विद दैट। इसने आके मेरा वीडियो में नॉइज दे दिया। तो क्या हुआ ना कि मैं उस दिन बोलना भूल गई, और मेरे को एक फ्रेंड ने बोला तूने सिंदूर खेला के बारे में बोलना भूल गया, मैंने बोला ओ शिट। तो मैंने सोचा आज मैं मेंशन कर दूँगी कि आज सिंदूर खेला होता है, उसे लाल लाल लगाया जाता है सिंदूर के साथ दशहरा के टाइम। तो आज मैं होपफुली वो सब कैप्चर करके आप सबको दिखा पाऊँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बेस्ट, मतलब आज का दशहरा का टाइम, आज के दिन ऐसा होता है गाइज कि हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, फिर मीठा मीठा खाते हैं, फिर जलेबी वगैरह जितना कुछ होता है खाते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, फिर माँ को जब वो किया जाता है ना, आई मीन क्या बोल रहे
विसर्जन बोलते हैं तो बंगाली में, तो जब भाषाया जाता है मतलब पानी में जब वो किया जाता है रिचुअल्स वगैरह होते हैं, उसके बाद उस पानी को लेके पूरा घर पे स्प्रेड किया जाता है फॉर दिस पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर पर्पस आई गेस। एंड उसके बाद तो यही सब होता है, बहुत सारे रिचुअल्स, इतने सारे मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, मीठा खाते हैं, इतना पता है। अच्छा अच्छा खाते हैं, वैसे खाने का बहुत पता है। हाँ तो यही सब बातें हैं, ये 5 मिनट का हो गया, मैं अभी क्रॉस कर इसको तो यस।